वीवो जी फाइव। हाँ गाइज, आप लोगों को यहाँ पे पता है गाइज, वीवो का जी फाइव जो है चाइना के अंदर अभी यहाँ लॉन्च हो चुका है। और गाइज इस वीडियो में गाइज हम इसी फोन के बारे में बात करने वाले हैं कि कब इंडिया के अंदर आएगा और क्या प्राइस के साथ आने वाला है। कुछ स्पेसिफिकेशन भी बता दूंगा, वैसे आप सबको पता ही है। बट जब भी गाइज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया, क्योंकि मैं आपके लिए इसी टेक्स रिलेटेड वीडियो बताते रहता हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर। जी फाइव जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है, जो वीवो की तरफ से हमें इंडिया मार्केट में बहुत जल्दी देखने मिलने वाला है। बहुत जल्दी नहीं बोल सकता मैं अब, क्योंकि अब वीवो ने यहाँ पे पहले बोला था, हमें लग रहा था कि अगस्त के एंड आएगा, बट अब यहां पे लीक्स खबर के आ रही है कि ये फोन जो है हमें सितंबर के महीने में मिलेगा इंडिया के अंदर। हां गाइस, मुझे लग ही रहा था वैसे, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं अभी Z1 Pro आया, वो अभी आपको देखने मिला, देन अब S1 भी आ रहा है, तो दो स्मार्टफोन तो अभी उनके आ ही चुके हैं, तो अभी तीसरा स्मार्टफोन आने में थोड़ा तो टाइम लगना ही चाहिए। तो अभी यहां पे वीवो थोड़ा सा तो वेट करवाएगा हम लोग को, तो सितंबर के महीने में आपको ये देखने मिल सकता है। तो लेट्स सी, जल्दी से जल्द हमें यहाँ पे Z5 आपको सितंबर के मंथ में देखने मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कि इस फोन के इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में, क्या फोन का प्राइस होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस फोन का पहले बोला जा रहा था अंडर 15,000 रुपये होगा, मगर अब बोला जा रहा है ये फोन जो है इसका बेस वेरियंट जो होगा वो 6 GB रैम 128 होगा। तो ये फोन का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो अराउंड 17,000 रुपये से चालू होगी। तो आई थिंक बढ़िया है, वैसे आप 6 GB रैम 128 से ही चालू कर रहे हैं 17,000 में, तो आई थिंक ठीक है, आपको वेल एनफ बढ़िया रैम एंड स्टोरेज देखने मिल जाएगी। चलिए इस बात कर लेते हैं अब इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, कुछ है स्पेसिफिकेशन जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करूंगा डिजाइन के बारे में। डिजाइन गाइस यहाँ पे मैं वही हमें पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है, बट हाँ लुकिंग वाइज फोन बहुत ही बढ़िया देखने मिल जा रहा है। डिस्प्ले में आते हैं, डिस्प्ले गई यहाँ पे मिलता है गई 6.5 इंच का या 6.4 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले, जो एक सुपर एमोलेड पैनल है, और आपको यहाँ पे एक डॉट नॉच के साथ मिल जाता है। बढ़िया नॉच, मतलब बढ़िया नॉच है, बट मैंने एक्सपेक्ट किया था बेजललेस मिले, बट हाँ हमें यहाँ पे एक बढ़िया डिस्प्ले देखने मिल जाता है 6.4 या 5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, और सुपर एमोलेड भी है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसमें देखने मिल जाएगा। अभी इसमें एक बहुत ही बढ़िया बात है, जो डिस्प्ले वाइज इस फोन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। चलिए इस बात करते गए जब इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में, क्या परफॉर्मेंस हमें इस फोन में मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूँ गई इस फोन में मिलने वाली स्नैपड्रैगन का 712 का प्रोसेसर, जो आप सबको पता ही है कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर होता है, एंड अभी Z1 Pro में हमें वो परफॉर्मेंस देखने मिली। और 17,000 रुपये में अभी भी मैं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने मिलने वाली है इस फोन में। तो परफॉर्मेंस वाइज ये फोन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। चलिए बात करते हैं जब इस फोन के कुछ कैमराज के बारे में, क्या कैमराज हमें इस फोन में देखने मिलने वाले हैं। तो मेन कैमरा जो उसका रियर में है वो है 48 MP का कैमरा, जो बहुत ही बढ़िया बात है। देन हमें मिल जाएगा 8 MP का अल्ट्रा वाइड, देन 2 MP का हमें डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। तो थिंक कैमरा वाइज एक बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पे सेटअप दिया है वीवो ने रियर में, जो बहुत ही बढ़िया कैमरा लगे हैं इसके। तो कैमरा वाइज ये फोन आपको बहुत ही अच्छा देखने मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा की अगर बात करता हूं, तो गाइस यहां पे हमें जो सेल्फी कैमरा है इसका यहां पे मिल जाएगा कुछ 32 MP का, जो बहुत ही बढ़िया बात, मुझे 1 MP की हमें यहां पे सेल्फी देखने मिल जाएगी गाइस, एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। तो बहुत ही बढ़िया बात है, हमें 32 MP सेल्फी भी देखने मिल रही है, 48+2 का रियर कैमरा। तो कैमरा वाइज रियली वीवो यहां पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और Z5 में बहुत ही बढ़िया कैमरास आपको देखने मिल जाते हैं। तो 32 MP की सेल्फी बहुत ही बढ़िया आपका परफॉर्मेंस आपको करके देगी। चलिए इस बात करते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में, क्या फोन में हमें बैटरी देखने मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं इस फोन में 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट होगा। तो बढ़िया बात है कि हमें 4500 mAh की बैटरी भी है, और फास्ट चार्जिंग भी देखने मिल रही है। अभी ये नहीं पता कि टाइप सी की माइक्रो यूएसबी है, अभी मैंने देखा नहीं, तो लेट्स सी फास्ट चार्जिंग में मिल जाएगी, 4500 mAh की बैटरी भी है, तो आपका आराम से काम जो है वो चल जाएगा 4500 mAh की बैटरी में। यूए की अगर बात करते हैं, एंड्रॉइड ऑन द बॉक्स आएगा, फ्रंट टच तो इसके साथ रन करेगा, और ये पूरा वीवो का Z5 मैंने आप लोग बहुत ही जल्दी बता दिया। और ये फोन जो है आने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया आने वाला है सेप्टेम्बर के मंथ में इंडिया के अंदर, तो मैं यही बोलूंगा बढ़िया फोन होने वाला है, एंड विद बढ़िया बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिक अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ। लेट्स सी कैसा होता है। और बस गाइस, आप लोग वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लो सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी टेक्स रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। और बताइए कमेंट करके कि वीवो के Z5 के बारे में आप लोग क्या सोचें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।